फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह। तो जैसे आप सब हमने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है उन वीडियोस पे, तो उसी से रिलेटेड करंट इवेंट पे मैं आज थर्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसका जो कि हमारे 18 नवंबर 2019 में नया इवेंट होने जा रहा है और हमारे देश के एक नई अपॉइंटमेंट होगी, तो उसके ऊपर मैंने अगली वीडियो ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम समझेंगे गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के जो जिस ऑर्गन की मैं बात करूंगा उससे रिलेटेड आज का टॉपिक होगा उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि नए बनने जा रहे हैं 18 नवंबर को। उनका नाम है शरद अरविंद बॉबड़े। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट हिम। तो देखिए, शरद अरविंद बॉबड़े जी, तो जस्टिस शरद अरविंद बॉबड़े, हमारे देश में जो गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, हमें पता है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों मिलकर ही देश का कानून बनाती हैं, एग्जीक्यूट करती है और उस पर नजर रखती है। तो तीनों से ही मिलकर हमारे देश के कानून बनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कराया जाता है। तो लेजिस्लेचर जो कि हमारे देश का पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में, उसका काम है कानून बनाना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो कि देश के कानून को देखता है, एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है, और इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर को, तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो उन कानून को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं, और थर्ड जुडिशरी जो कि इन कानून को जो बनाया गया है उस पर पूरी नजर रखती है कि कहीं ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो जुडिशरी के पास ये पावर होगी उसको नल एंड वॉइड करने की। तो वही जुडिशरी के जो हेड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं ऑन 18 नवंबर 2019 को, शरद अरविंद बॉबड़े जी। तो हमारे जस्टिस शरद अरविंद बॉबड़े जी के बारे में अब हम जानेंगे। तो शरद अरविंद बॉबड़े जी जो कि 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ये नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये पहले यूनिवर्सिटी ऑफ चांसलर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र में भी चांसलर रह चुके हैं, और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी हाईकोर्ट के रह चुके हैं। तो इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सुप्रीम कोर्ट में भी इनका काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब 18 नवंबर 2019 को जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा इनको ओथ दिलाई जाएगी, तो हमारे 47th हमें चीफ जस्टिस मिलेंगे। तो ये रिप्लेस किनको करेंगे, हमारी जो करंट चीफ जस्टिस हैं रंजन गगोई जी को, तो रंजन गगोई जी को रिप्लेस करेंगे हमारे न्यू चीफ जस्टिस जो अभी आएंगे, शरद अरविंद बॉबड़े जी। तो इनके बारे में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं, इनकी फैमिली बैकग्राउंड। बॉबड़े जी के फादर साहब जिनका नाम है अरविंद बॉबड़े, तो वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल हैं, और दूसरी तरफ इनके जो बड़े भाई हैं विनोद अरविंद बॉबड़े है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड से ही हम देख सकते हैं कि मोस्टली एक लॉ से रिलेटेड इनकी फैमिली है, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है। तो हमें जो अगले हमारे चीफ जस्टिस मिलेंगे तो बहुत ही एक अच्छे और बहुत ही ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनको बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो इनकी कुछ हम अब फेमस जजमेंट्स के बारे में समझेंगे, तो हमें भी तो पता लगे कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री में पहले क्या क्या कर लिया हुआ है। तो उनकी फेमस मैं दो जजमेंट्स की बात करूंगा जो कि हमें पता होनी चाहिए कि हमारे न्यू चीफ जस्टिस ने पहले ये दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में योगदान दिया है। तो मैं दो जजमेंट्स की बात करूंगा। तो पहली जजमेंट का नाम है, इधर देखिए, एनवायरमेंट के ऊपर, और दूसरी जो जजमेंट होगी वो रिलीजियस सेक्टर के ऊपर होगी। जो पहली एनवायरमेंट के ऊपर जो जजमेंट दी थी उन्होंने 2016 में दी थी, वो 3 जज बेंच था। तो उस उनकी जजमेंट में ये था कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि आप जानते हो कि इस समय भी स्टबल बर्निंग की वजह से आज दिल्ली बहुत ही एज अ गैस चैम्बर बन चुकी है, तो वहां पर फिर वही चीज ओवन ऑड इवन वाला फॉर्मूला लगा दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी है। तो ऐसी सारी चीजों के लिए उन्होंने 2016 में जजमेंट, उन्होंने 3 जज बेंच जो बना था उसमें जजमेंट दी थी कि फायर क्रैकर्स बंद कर दिए जाएं। तो फायर क्रैकर के ऊपर उनकी वो जजमेंट थी एनवायरमेंट को बचाने की, तो क्लाइमेट से रिलेटेड तो उनकी जजमेंट आएंगी। तो मतलब
जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए कुछ अच्छी बात है। नेक्स्ट रिलीजियस फैक्टर, उनकी सेकेंड जजमेंट जो कि मुझे अच्छी लगी है रिलीजियस फैक्टर के बेसिस पे है, जो कि उन्होंने 2017 दो जज बेंच था तो उनमें दी थी, जो कि कर्नाटका में माते महादेवी उनकी कोई एक कंट्रोवर्शियल बुक थी जो कि पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट बसावना कम्युनिटी थी वहां के, उनके रिलीजन उनके फेथ के कुछ अगेंस्ट जा रहा था, तो वहां पर उन्होंने जजमेंट देकर उस बुक का मतलब फेमस होना या फिर उसकी प्रोडक्शन या उसकी सेल को रोक लगवाई, बैन करवा दिया। तो ये भी उनकी सेकेंड रिलीजियस फैक्टर जो कि उनकी जजमेंट बहुत ही फेमस हुई थी। तो ये इनकी दो मैंने जजमेंट्स ली हैं, सच दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए जो हमारे नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं तो उनका कैसा बैकग्राउंड रहा है। नेक्स्ट हमने बात की उनके ओपिनियन से रिलेटेड, हम काफी आप देखोगे उनके बारे में स्टडी करोगे तो वो अपने ओपिनियन से बहुत फेमस है। जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, वो अपने ओपिनियन से बहुत फेमस है। कैसा उनका ओपिनियन है देखिए, धर्म, वो धर्म में विश्वास करते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि मेरा धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, रिलीजन सेपरेशन करता है, लेकिन जो धर्म है, धर्म का कहने का मतलब क्या है उनका, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो कानून को प्रॉपरली मानेगा वही धर्म उसका होगा और वही प्रॉपरली उसको सही पाथ फॉलो करवाएगा। तो अगर आप कानून की रिस्पेक्ट करोगे, प्रॉपरली ऑनेस्टली काम करोगे और सच्चाई का साथ दोगे तो वही आपका धर्म है। ये उनके ओपिनियन है जो कि बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। तो हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस आ रहे हैं तो उनके ओपिनियन आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू आगे आ रहा है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, 4th to 15th November इस महीने की, जैसे कि आज 5th November हो चुकी है तो 4th to 15th November में वर्डिक्ट आएगा अयोध्या इश्यूज के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा अयोध्या इशू बहुत ही फेमस इंडिया में है, ये पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस हर तरीके से बहुत ही फेमस है। तो इसकी वर्डिक्ट एक हमारा नेशनल इशू बन जाता है देश का। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा बाबरी मस्जिद के बारे में, जो कि बाबर ने मीर बाकी से 1528 में बनवाई थी, तो उसके ऊपर बहुत ही इशू चल रहा है। तो उसकी वर्डिक्ट जो 4 से 15 नवंबर के बीच में आएगी, और इसमें खास बात यह है कि ये 5 जज बेंच वर्डिक्ट होगी, और इसकी 5 जज बेंच में जो 5 जस्टिस हैं उनमें से हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी हैं, और जो नेक्स्ट बनेंगे हमारे शरद अरविंद बोबड़े जी, और रिमेनिंग 3 आर जस्टिस DY चंद्रचूड, जे जस्टिस अशोक भूषण जी एंड जस्टिस एस ए नजीर। तो ये टोटल 5 बेंच जो 5 जज बेंच बना है उसमें इनमें हमारे शरद अरविंद बोबड़े जी भी हैं। तो इनकी जजमेंट मतलब जो वर्डिक्ट आएगा वो बहुत ही फेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 15 तक माना जाता है कि वर्डिक्ट आ जाएगा और 18 से हमारे वही जिन्होंने इसका वर्डिक्ट दे देना वही हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। तो ये देखिए हमारा बेसिक, हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के बारे में पढ़ा और इससे हमें पता लग रहा है कि वो बहुत ही बोल्ड और बहुत ही समझदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे 47th, और उनका टाइम पीरियड वो पहले ही डिसाइडेड है 23rd April 2021 तक। तो इनका एक टाइम पीरियड होता है कि हर चीफ जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट के तो उनके 65 ईयर मैक्सिमम एज होती है, तो 65 ईयर्स तक के एज तक वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए आने वाले हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है और क्या उनकी प्रोसीजर में अभी अभी तक कोई चेंज आया है, मीन्स कुछ एक्सेप्शन है। तो चलिए